सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मामले में एसआईटी गठित कर दो लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस, अभी तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी लेकिन 25 लोगों से हुई पूछताछ। सातवें दिन टूटा अन्ना हजारे का अनशन, रामलीला मैदान पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खत्म करवाया अनशन। अनशन खत्म करने को लेकर बोले अन्ना हजारे, सरकार ने हमारी मांगे मानी, अनुपालन के लिए 6 महीने का दिया वक्त। दिल्ली में बीजेपी के दामों को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के दावों पर उठाए सवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी बोले नए टैरिफ से ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को राहत मिलेगी लेकिन कम खपत वालों को महंगी बिजली पड़ेगी। कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार बिजली हाफ और पानी माफ के नारे के साथ आई लेकिन लोगों को बिजली का करंट लगा दिया, माकन ने सड़क पर विरोध करने की कही बात। बिजली के दाम पर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दी सफाई, सत्येंद्र जैन बोले पहले की तरह जारी रहेगी सब्सिडी। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, देवरिया की सदर कोतवाली के अबू बकर नगर में एक युवक को अगवा कर पेड़ से बांध कर पीटा, अपना दिया हुआ रुपया मांगने पर की गई पिटाई, दबंगों ने पिटाई का बनाया वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र की अपहरण के बाद हत्या, 50 लाख की फिरौती को लेकर की गई हत्या, 21 साल के आयुष की द्वारका इलाके से बुधवार को मिली बॉडी, रामलाल आनंद कॉलेज का था छात्र, 23 तारीख को हुआ था अपहरण। ग्रेटर नोएडा में एक एक्सिस बैंक के एटीएम को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए एटीएम को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि चोरों ने कितने पैसे एटीएम से लूटे। रोहिणी के रिठाला इलाके में गुरुवार दोपहर झुग्गियों में लगी भीषण आग, 70 झुग्गियां जलकर खाक, एक बच्चा बुरी तरह झुलसा, लोगों ने आग लगने को बताया साजिश।